रखी चंगेज़ खान ही वाज़ द रूलर ऑफ़ दंगोल एम्पायर दारियस ही वाज दी रूलर ऑफ़ दरियन एम्पायर नेपोलियन ही वाज द रूलर ऑफ़ द फ्रेंच एम्पायर बारबूरियस ही वाज द रूलर ऑफ़ द रोमन एम्पायर जूलियस ही वाज दी रूलर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ रोमन एम्पायर शेन ही वाज़ द रूलर ऑफ़ द चाइनीज एम्पायर एप्टेला ही वाज दी रूलर ऑफ़ द यूनिक एम्पायर charles he was the ruler of the frankish empire and far amongst the, all the companions there was the soldier there was the commander there was the conqueror he crushed the superpower of his time he crushed the persian empire he crushed the romans he conquered iraq he conquered iran he conquered syria he conquered jordan he conquered armenia the undefeated commander the undefeated ruler the sword in the sword of allah was of there was the khalibin walid Taala Anhu. जी हाँ दोस्तों बहुत से सालार आए बहुत से जंगजू आए बहुत से हाकिम आए लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं शिकस्त हुई लेकिन ख़ालिद बिन वलीद रज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबित थे जिन्होंने किसी जंग में भी शिकस्त ना खाई इस्लाम कबूल करने के बाद जब उन्हें पहली जंग जंग मता में भेजा गया तो उसकी हदायत ये थी कि आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस लश्कर का सलार अब्दुल्ल इब्न रवा होंगे अगर वो शहीद हो जाते हैं तो जाफिर त्यार रजी अल्लाह तआला अल्ल होंगे अगर वो भी शहीद हो जाते हैं तो हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह अल्ला होंगे हजरत अब्दुल्ल इब्न रवा शहीद हो जाते हैं हज़रत जाफ़िर त्यार जंग में शहीद हो जाते हैं फिर हजरत जैद बिन हारसा को सलार बनाया जाता है वो भी शहीद हो जाते हैं और हजूर अलैहि वसल्लम ये मा को ये माज़ा माजे के तौर पर ये मंजर मस्जिद नबी में बैठे हुए आप ताला ने दिखाया और वो सहाबों को बता रहे हैं तो तमाम लोगों ने जंग में जो थे उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह उन्हों को अपना सलार मकर किया तो आप अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला ने अपनी तलवारों में से एक तलवार निकाल ली है यानी वह तलवार कभी टूट नहीं सकती तो तारीख गवाह है कि वह तीन हज़ार का लक्ष ल एक लाख के लश्कर को शिकस्त दे गया और वो एक लाख का लश्कर भागने पर मजबूर हो गया मुस्लिम कजाब के साथ जब जंग थी तो हजरत अबूबक सदीक रजी अल्लाह तनों ने एक नसारा साहबी को लश्कर का सलार बनाकर भेजा तो खबर आई उधर से कि हम मुसलमानों के लश्कर पर वो मुस्लिम कज़ाब का लश्कर हावी हो रहा है तो हजरत अबूबकर सदीक रजी अल्लाह तनोंने खालिबिन वलीद को जिस महाज पर थे उससे उन्हें कहा कि भाई आप मुस्लिम कज़ाब के साथ जंग करने के लिए चले जाएँ उनके हजरत बकर सदीक जानते थे कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद शामिल हो जाए वो जंग मुसलमानों के हक़ हाँ में हो सकती है उससे मुसलमान शिकस्त कभी नहीं खा सकते उन्होंने अपनी वक्त की सुपर पावरों को कुचल डाला फारिस से वो जंग करने गए तो फारस की कमर तोड़ डाली फारिस की फ़ौज घुटने टेक गई तो हजरत अब्बक सदीक रजी अल्लाह तुम को मालूम हुआ कि फ़ारिस झुक गए तो हज़र फारज़रत वकश रज़ी अल्लाह तनोंने खालिदिन वलीद को कहा कि तुम रूम की तरफ चले जाओ तो हजरत खालिदिन वलीद ने रूम को भी कुचल डाला एक जंग में इस तरह हुआ कि हज़रत अबू बैदा बिन जरा रजी अल्लाह तनों सिपा सलार थे और ख़ालिदिन वलीद सलार थे हजरत खालिदिन वलीद को बैदा बिन जरा ने हुम दिया कि आगे लश्कर बहुत ज़्यादा है हमारा लश्कर थोड़ा है तुम पीछे रुक जाओ कुमक का इंतज़ार करो कुमक जब आ जाए तुम लश्कर लेके आ जाना तो हज़रत अबू उबैदा बिन जरा आगे चले गए लड़ने तो वह आगे रूमियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी तो खालिद बिन वलीद ने देखा कि कुमक पीछे से नहीं आ रही बहुत देर हो गई है तो खालिद बिन वलीद के पास पचास घुड़सवारों का दस्ता था और तारीख गवाह है कि उन पचास घुड़सवारों के दस्ते के साथ उन्होंने ऐसी उसके अंदर जंग में हलचल मचा दी कि रूमियों की फ़ौज ने अपने आप को ही कुचल डाला आपस में एक दूसरे को रोने लग गए जो हजरत बिन वलीद ने अपने आखिरी हजाम हमस में जब गुजारे तो वो अपने एक दोस्त को कहते भाई मेरा बाजू देख उन्होंने अपना बाजू इस तरह उसके ऊपर से कपड़ा उठाया उस फिर दाया बाजू बायाँ बाजू इस तरह क्या कहते हैं सतर के अलावा सारा जिसम दिखाया उसे कहा कि कोई ऐसी जगह बता जहाँ ज़ख़म ना हो तलवार थी या किसी और हथियार का तो उसने कहा एक बालिश से ज़्यादा ऐसी जगह नहीं है जहाँ ज़ख्म ना हुआ हो तो उससे कहते हैं तो बता मैं शहीद क्यों नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि तुझे अल्लाह की तलवार का लकब दे दिया गया था अगर तू शहीद हो जाता तो लोग ये समझ लेते कि अल्लाह की तलवार टूट गई है इस्लाम मिट गया है तो उन्होंने बुजदिल नौजवानों उम्मत मुसलमान के बुजदिल बुजदिल नौजवानों को एक पैगाम आखिरी वक्त में भेजा कि अगर तुम मैदान जंग में मौत से मौत के डर से नहीं जाते हो तो ये देख लो कि खालिद बिन वली जिसने अपनी उम्र का सारा हिस्सा जंग में गुजार दिया तो वो भी आज बिस्तर मार्ग पर मर रहा है शुक्रिया